ट्रांसपोर्ट लेयर आपका 14 चैप्टर है, इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो मैंने कहा डिस्कस हम कर लेते हैं, देन हम इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल में आपको ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी के बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ हो जाएगा। इसका कोई डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता, किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता कि आप खुद प्रैक्टिकल करें इसका, जस्ट जस्ट लाइक आपने आईपी कॉन्फ़िगर किए थे या फिजिकली केबलिंग की थी, तो ये इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर काम कैसे करती है और इसका मकसद क्या है कि आपकी जो इंडिविजुअल कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशंस हैं उनको ट्रैक किया जा सके। जस्ट लाइक आप मैसेजिंग कर रहे हैं, आप कोई वेब पेज ओपन कर रहे हैं, साथ में कोई वीडियो चैट कर रहे हैं, कोई वीडियो स्ट्रीम भी आपने लगाई हुई है और कोई ईमेल ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये सारे जो आप मल्टीटास्किंग करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मल्टीप्लेक्स करके आपको मल्टीपल कम्युनिकेशंस को अवेलेबल कर सके, वो आप ट्रांसमिट कर सके। तो इसके साथ इसका एक और अहम क्या लें फंक्शन है, सेगमेंटिंग है, कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा होता है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ बाइट्स आ रहा होता है, ठीक है। हम इसको कहते हैं बाइट स्ट्रीम आ रही होती है, बाइट्स की स्ट्रीम, जैसे वेब पेज के सॉर्ट ऑफ वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो दैट इज़ वीडियो स्ट्रीम, लाइक वीडियो कंटेंट अपलोड हो रहा है। आप कोई मैच देख रहे हैं तो कोई वीडियो स्ट्रीम डाउनलोड हो रही है, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है। इसी तरह आप कोई मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं तो नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है। तो ये क्या करता है, उस डेटा के साइज़ के हिसाब से सेगमेंट करता है कि मैं कैसे इनको ट्रांसमिट करूँ। तो अगर आप ट्रांसमिशन के एंड से देखें तो सेगमेंटिंग हो रही होती है, और अगर रिसीविंग एंड पे देखें तो रीअसेंबलिंग ऑफ सेगमेंट्स होता है, कि जितने सेगमेंट्स रिसीव हो रहे हैं उनको कैसे रीअसेंबल किया जाए, और साथ साथ में हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है। तो कम्युनिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट जो हमारी एप्लीकेशंस काम कर रही हैं उसकी क्या कम्युनिकेशन है, और नॉर्मली जितनी नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं जो नेटवर्क बेस्ड होती हैं, जैसे आपका चैट का सॉफ्टवेयर है, कोई मैसेंजर है, कोई वेब पेज आप खोल रहे हैं, ब्राउज़र है, ये सारी नेटवर्क एप्लीकेशन जो नेटवर्क पे काम करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है, इसके अंदर आप ओपन करते हैं, ऑफलाइन में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रिंटर पे भेजते हैं और या ईमेल में आप उसको अटैच कर देते हैं, तो इटसेल्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं कहलाती। लेकिन जो बाकी एप्लीकेशंस हैं जो रियल टाइम में इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क्स के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करती हैं वो हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए पोर्ट नंबर्स को यूज़ किया जाता है कि हर एप्लीकेशन बल्कि उसकी हर जो कह लें यूनिक कम्युनिकेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप क्रोम ओपन करते हैं और इसके अंदर 10 टैब्स में 10 डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो ये 10 डिफरेंट बाइट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये 10 डिफरेंट कम्युनिकेशंस हैं, कोई फेसबुक पे जा रही है, कोई याहू पे जा रही है, कोई गूगल पे जा रही है, तो हर स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करना है हमें, तो उसके लिए हम फिर पोर्ट नंबर्स को यूज़ करते हैं। अभी लैब में मैं आपको दिखाऊंगा सोर्स पोर्ट नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स क्या हैं। तो इस पिक्चर से आपको, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेटवर्क एक्सेस लेयर पे लैन के कनेक्शंस हैं या वैन के कनेक्शंस हैं, लाइक आप वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं या वायर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर को। आईपी लेयर इससे ऊपर जो है, नेटवर्क एक्सेस लेयर से ऊपर जाएं तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में हो रहा होता है, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर के ऊपर IPv4 होता है या IPv6 होता है, तो इसका काम क्या है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है उसमें लॉजिकल एड्रेसेस को ऐड करना, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, जिसको आईपी एड्रेसेस हम कह रहे हैं। जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात बारी आती है तो यहाँ पे इट इज़ सॉर्ट ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल है, ठीक है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, कितने सेगमेंट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, सीक्वेंस नंबर क्या है, क्या रिलायबल कम्युनिकेशन करानी है या अनरिलायबल कम्युनिकेशन करानी है, एक्नॉलेजमेंट्स का वेट करना है नहीं करना। तो अब क्योंकि दो किस्म की कम्युनिकेशन अगर हम जनरली देख लें तो एक है रिलायबल कम्युनिकेशन, जिसमें जैसे हम मैं आपको ईमेल करता हूँ और इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ, तो अगर मैं आप इसको अनरिलायबली आपको भेज दूँ ईमेल और आपको वो रिसीव ना हो, तो इट मीन्स के उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी कि आप कहते हैं चले पहुंच गई तो अच्छी बात है, ना पहुंची तो कोई मसला नहीं है, तो बाद में हम देख लेंगे दोबारा भेज देंगे। अगर आपको ईमेल नहीं मिली, आप मुझे कहते हैं जी अब मैं वेट करता रहा हूँ, मुझे ईमेल नहीं मिली,
लेकिन इटसेल्फ अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल का जो प्रोटोकॉल है एसएमटीपी वो रिलायबली ट्रांसपोर्ट कराता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ईमेल की और वो ईमेल सर्वर तक ना गई हो, सर्वर ने आपको भेजने की कोशिश ना की हो, बीच में एरर्स आ सकते हैं, बट आपकी ईमेल जब भेजते हैं तो आप इस लॉजिक के साथ भेजते हैं कि इन एनी केस उसको रिसीव होना चाहिए, अगर रिसीव ना हो तो फिर मुझे एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ज़रूर आनी चाहिए कि प्रॉब्लम है। तो इसी तरह जनरल फिज़िकल एग्जांपल देखें तो आप यहाँ से जब फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, टीसीएस करते हैं किसी कंपनी को, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि किसी अच्छी सर्विस से भेजूँ, रिलायबल सर्विस हो कि जो एक्नॉलेज करे कि आपका फ़लाँ दिन जो है वो सीवी या वो जो आपका लेटर है वो पैकेट है वो उन तक पहुँच गया, और उसकी ट्रैकिंग भी हो कि वो किस दिन को उन्होंने रिसीव किया, तो आप हमेशा एक रिलायबल सर्विस की तरफ जाएंगे। तो टीसीपी इज़ लाइक अ रिलायबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग योर डेटा। तो अगर आपका कोई डेटा ऐसा है जस्ट लाइक कि आप कहते हैं कि दिस इज़ टाइम सेंसिटिव और अगर इस टाइम तक पहुंच गया तो ठीक है, बाद में भेजना या बाद में रिसीव होने का कोई मकसद नहीं है, तो आप प्रेफर करते हैं यूडीपी को, आप कहते हैं कि मेरा काम है, दिस इज़ लाइक बेस्ट एफर्ट, कि आप अपने एंड से ट्रांसमिट कर देते हैं, अगर रिसीव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं रिसीव हुआ तो फिर हम बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये इसके दो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिसको मैंने आपको जनरली ब्रीफ कर दिया। अब ये किस तरह काम करते हैं, ये ऊपर एप्लीकेशंस इनको यूज़ करती हैं, ठीक है। लाइक अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन लेयर है जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, वो अपनी ट्रांसमिशन के लिए इनमें से किसी एक को चूज़ कर रही होती है। जैसे एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसको रिलायबली ट्रांसपोर्ट करना है तो वो टीसीपी को सेंड करेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, एक सॉकेट बनेगी, उस सॉकेट पे कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद ये डेटा ट्रांसमिट होगा डेस्टिनेशन की तरफ। अगर इसकी निस्बत अगर हम डीएनएस को देखें जो कि आप नेम रिजॉल्व करते हैं, तो यू जस्ट थ्रो अ रिक्वेस्ट के व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ दिस गूगल डॉट कॉम, तो डीएनएस सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है और वो आपको रिप्लाई करके आपको कहता है कि इस डोमेन का ये आईपी एड्रेस है। इन केस अगर ये मिस हो जाए तो एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एप्लीकेशन डीएनएस को यूज़ कर रही थी लाइक वेब पेज है, वेब ब्राउज़र है, तो वो दोबारा रीट्राई करेगा, ठीक है, दोबारा अटैम्प्ट करेगा किसी और डीएनएस को कनेक्ट करने की, तो सॉरी उससे वो रिजॉल्व करवाने की, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये, कनेक्शन लेस है। तो एप्लीकेशंस के पास दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं कि रिलायबल ट्रांसपोर्ट और अनरिलायबल, तो उसके लिए ये फिर हमारा टीसीपी या यूडीपी यूज़ हो जाते हैं, और इनको हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, ठीक है, ये प्रोग्रामर जो होता है या जिसने ये एप्लीकेशन बनाई होती है ये उसका काम है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आपकी एक आप प्रोग्रामर हैं और आपने एक चैट एप्लीकेशन बनाई, लाइक आप स्काइप के मुकाबले में एक चैट एप्लीकेशन जो जिसमें वॉइस चैट भी है और जिसमें टेक्स्ट चैट भी आप वो बनाते हैं, तो चैट का जो सर्वर होगा प्रॉब्ली जो कि आपको साइन इन करवाएगा और आपका सेशन मेंटेन करेगा, वो आप रखेंगे अपनी सर्वर साइट के ऊपर और क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो यूज़र्स को दे देंगे। अब जब आपका यूज़र कनेक्ट होगा तो कनेक्शन जो उसका इस्टेब्लिश होगा और उसको जो हिस्ट्री या प्रीवियस चैट और सब चीज़ें नज़र आएंगी वो तो रिलायबली नज़र आएंगी, लेकिन अगर जो वो वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहता है या कोई टेक्स्ट चैट करता है तो आप उसको रिलायबली ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे आप लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो ऐसा नहीं है कि हेलो में से कुछ करेक्टर्स मिस हो जाएं और या हाउ आर यू में से कुछ करेक्टर्स जो हैं एडिशनल ऐड हो जाएं, वो रिलायबली ट्रांसपोर्ट करने हैं एज इट इज़ जिस तरह के। अब ये प्रोग्रामर ने डिसाइड किया कि जो टेक्स्ट चैट है उसके लिए मुझे टीसीपी यूज़ करना चाहिए, और अगर वॉइस कम्युनिकेशन हो रही है, वॉइस चैट शुरू हो गई है, बंदे ने वॉइस कॉल की दूसरे अपने दोस्त को और उसके साथ वॉइस कम्युनिकेशन है, तो वॉइस कम्युनिकेशन में हर सेगमेंट को एक्नॉलेज करना पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपके साथ ये लाइव सेशन कर रहा हूँ विदाउट नोइंग कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, विदाउट नोइंग कि आपको समझ आ रही है, विदाउट नोइंग कि आपके पास मेरा सारा कॉन्टेंट इन दी फॉर्म ऑफ वॉइस जा रहा है, विदाउट नोइंग कि आप विलिंग है इस चीज़ को सुनने के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक थ्रोइंग बेस्ट एफर्ट, मेरी ये है कि मैं और स्टिल अभी जो मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ हो रही है इट इज़ बीन ट्रांसमिटेड यूजिंग यूडीपी। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मकसद ही है कि रियल टाइम में बेस्ट एफर्ट के साथ जस्ट ट्रांसमिट कर देना। अगर कोई इशू होगा डेफिनेटली आप मुझे
रेज हैंड करेंगे, चैट करेंगे, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई मसला आ गया है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही, तो यू विल इंटरप्ट मी यूजिंग अदर वेज, ठीक है। बट माई स्ट्रीम इज़ जस्ट कह लें कि वो एक बेस्ट एफर्ट है कि मैं ट्रांसमिट किए जा रहा हूँ। ओके, अब इसमें जो बात मैंने प्रोग्रामर की थी वो कंक्लूड कर लेते हैं। आप प्रोग्रामर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए UDP को प्रेफर करेगा और टेक्स्ट चैट के लिए वो हमेशा TCP को प्रेफर करेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई फाइल शेयर करते हैं ड्यूरिंग द चैट, आप किसी दोस्त को पिक्चर सेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिक्चर का जो टॉप है वो तो नज़र आ रहा है बट जो कह लें बंदे की पिक्चर है उसका जो है वो फेस सिर्फ आ रहा है, बाकी कोई सब ब्लैंक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पिक्चर रिलायबली ट्रांसपोर्ट होगी, या तो पूरी ट्रांसमिट होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसमें पिक्चर तभी आप रिसीव करेंगे जब वो पूरी उसके सारे बाइट्स पूरे होंगे, ठीक है। जितने सेगमेंट्स बन के आए थे वो सारे सेगमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो वो पिक्चर कहलाएगी। तो इस तरह से ये हमारी नेटवर्क के ऊपर रिक्वायरमेंट है। होपफुली अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि हमारी एप्लीकेशंस किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। देन IP लेयर का काम है कि उसको IP एड्रेसेस लगा के ट्रांसमिट करें। तो IP कौन यूज़ करेगा, सॉरी यहाँ पे TCP में एक चीज़ रहेगी कि पोर्ट नंबर्स यूज़ होंगे इन यूनिक एप्लीकेशंस के लिए। जैसे DNS का अपना पोर्ट नंबर होगा, ईमेल SMTP का अपना प्रोटोकॉल होगा, HTTP कम्युनिकेशन के लिए एक लहदा 80 पोर्ट यूज़ की जाती है, FTP के लिए 2021 पोर्ट नंबर यूज़ की जाती है। तो दे आर वेल नोन पोर्ट्स जो कि इस स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। अगर कोई आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो भी आप एक पोर्ट रजिस्टर करवा सकते हैं, जस्ट लाइक स्काइप के लिए पोर्ट्स रजिस्टर्ड हैं। कोई भी एप्लीकेशन नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट पे चल रही है तो वो कोई ना कोई पोर्ट नंबर यूज़ कर रही होती है। कुछ प्राइवेट पोर्ट्स भी होती हैं जिनको आप प्राइवेटली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दे आर डायनामिक पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट जो इसमें थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, अब जैसे ये तो एप्लीकेशंस आ गई जैसे वॉइस ओवर IP और DNS UDP को यूज़ करते हैं। अच्छा, TCP में एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा ये इसके जनरल फीचर्स हैं, इस्टेब्लिशिंग अ सेशन, इंश्योर रिलायबिलिटी एंड डिलीवरी, प्रोवाइड सेम ऑर्डर डिलीवरी, सपोर्ट फ्लो कंट्रोल। अच्छा ये स्लाइड थी। TCP कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है और ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है ओवर द नेटवर्क, तो मैं ये स्लाइड्स इसलिए ओपन की थी कि मैं आपको ये विजुअली दिखा सकूं कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अब जैसे आप एक वेब पेज ओपन करते हैं और क्रोम से, और आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं, तो फेसबुक के सर्वर्स या डेटा सेंटर फॉर एग्ज़ाम्पल US में होस्टेड है। अब सबसे पहला काम यह है कि आपके कंप्यूटर से एक SYN पैकेट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये जो SYN पैकेट है इसका मकसद ये है कि ये सिंक्रोनाइज कर सके आपकी कम्युनिकेशन को। बेसिकली ये सीक्वेंस नंबर्स की बेस पे सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर लगाता है कि आपकी कम्युनिकेशन ट्रैक भी हो सके और ये भी पता चले कि क्या आप रेडी हैं कि नहीं है उस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये जो SYN पैकेट है इसको जब ये फर्स्ट टाइम, अब एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे थे कि आप एक वेब पेज ओपन करते हैं facebook.com, लेकिन जब आप ये इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका जो वेब एप्लीकेशन है लाइक क्रोम है वो एक TCP का कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। TCP विदाउट कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करता। पहला स्टेज ही आता है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करो उस डेस्टिनेशन के साथ, क्या वो अवेलेबल भी है, विलिंग है, क्या उसके पास जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो आपकी कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकता है। तो अब आपका कंप्यूटर एक SYN पैकेट सेंड करेगा, तो SYN क्या होता है, ये कंट्रोल मैसेज होता है, ठीक है। TCP के जो जनरल मैसेज कोड्स हैं वो आगे मैं आपको कहीं दिखाऊंगा, डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल मैसेज में भेज रहा है SYN, तो इसका एक सीक्वेंस नंबर लग जाएगा, इसको कहते हैं इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अब इस कंप्यूटर ने A ने इसको 100 लगाया और इसको सेंड कर दिया डेस्टिनेशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेस्टिनेशन US में है और फेसबुक का सर्वर है, तो इसने ये SYN रिसीव किया, तो इससे उसे ये पता चल गया कि एक कंप्यूटर है फ्रॉम पाकिस्तान और ये विद सीक्वेंस नंबर 100 ये मेरे साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब ये जो काम हो रहा है इसको हम कहते हैं 3-way हैंडशेक। ये जो TCP का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है इसको हम कहते हैं 3-way हैंडशेक। अब इसके रिस्पॉन्स में, अब उसको पता है कि सोर्स ये है और मैं डेस्टिनेशन हूँ, वो अब अपना ये जो इसको एक्नॉलेज करेगा उसमें सोर्स अपना मेंशन करेगा और डेस्टिनेशन इस कंप्यूटर का IP मेंशन करेगा और इस SYN का रिप्लाई करेगा। SYN का रिप्लाई क्या होता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट है।
कि मैंने तुम्हारा सिन रिसीव किया और आई एम रेडी कि मैं तुम्हारे साथ ये कनेक्शन बना सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना कंटेंट दे सकता हूँ, फेसबुक का पेज या व्हाटएवर जो भी आपने रिक्वेस्ट किए। तो बेसिक जो टीसीपी लेवल पे है वो ये है कि मैं कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, वो अपना एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर रखेगा कि मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन तुम्हें भेजी जाएंगी वो 300 सीक्वेंस नंबर के साथ होंगी। तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट भेजेगा या फ्यूचर कम्युनिकेशन होगी वो इसकी तरफ से 301 से होगी, 302 होगी, 303 होगी, बट इसकी तरफ से जो होगी वो 101, 102, 103 के साथ उसको सीक्वेंस नंबर किया जाएगा। अच्छा, इस कंसेप्ट को कहते हैं पिगी बैगिंग। ठीक है, तो आप एक ही अपनी तरफ से एक मैसेज भी भेज रहे हैं, लाइक सिन भी भेज रहे हैं, और साथ में उसकी जो सिन आया था उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक ही ट्रांसमिशन में आप दो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारा सिन रिसीव किया, साथ में अपनी तरफ से भी सिन भेज रहे हैं। दैट इज़ विलिंगनेस, समझ लें कि मेरी विलिंगनेस है कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। अब जब ये सिन एक रिसीव होगा यहाँ पे सोर्स पे, तो ये इसको पता चल जाएगा कि यस, फेसबुक का सर्वर लाइव है और वो मेरे साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, वो अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, अब जो कंट्रोल मैसेज होगा वो क्या होगा, वो आपका ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होगा। यहाँ पे देखें, कंट्रोल मैसेज पिगी बैक था, वो सिन भी था और एक्नॉलेज भी था। ठीक है, तो दूसरा इसमें जब ये एक्नॉलेजमेंट वापस इसको भेजेगा कि मैंने तुम्हारा सिन रिसीव किया था, तो उसको एक्नॉलेज कर रहा है 301 और अपना सीक्वेंस नंबर अपग्रेड कर रहा है 100 से 101 करके, अब नया सेगमेंट भेज रहा है। अब इसमें देखें कुछ काम हुआ, कुछ इस तरह का है कि सोर्स ने डेस्टिनेशन को लाइक चेक किया, उसको अपनी सिन रिक्वेस्ट सेंड की कि उसकी कंफर्मेशन हो जाए कि वो रेडी है, अवेलेबल है। ठीक है, और जब उसने उसको वापस सिन एक भेजा तो इसको पता चल गया कि वो भी रेडी है और वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसने फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेज के कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। जब आप ये स्टेज होगी, जब ये स्टेज वन होगा, तो आप नेट स्टैट की कमांड है, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स इसको उसका शॉर्ट है, नेट स्टैट, तो आप देख सकते हैं कि कितने पैकेट्स आपके सिन के जा चुके हैं, कितने सर्वर्स के साथ आपके कनेक्शन इस्टेब्लिश हैं, तो आप ये इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। और जब ये इस्टेब्लिश स्टेज में होता है तो ये आगे कम्युनिकेट करेगा, लाइक उसने उसे कहना है कि जी मेरे पास एक HTTP एप्लीकेशन है, क्लाइंट है, वो ये फेसबुक के पेजेस जो है ना फलां फलां मांग रहा है, तो वो फिर उसको उसके रिप्लाई में जो है रिप्लाई मैसेजेस भेजेगा। तो ये जो डेटा सेंड होगा एक्चुअली, चाहे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ रिक्वेस्ट जाए या रिस्पॉन्स आए, वो इस्टेब्लिश सेशन में होगा। बट उस सेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 3-way हैंडशेक चाहिए। तो इसमें एक चीज़ हमने देखी, सीक्वेंस नंबर्स आगे, उसमें हमने देखा कि हमारे TCP का जो शुरू का सेगमेंट जाता है वो सिन होता है और उसके रिप्लाई में सिन एक आता है। और एक कंसेप्ट और है, वन स्टेप अहेड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये ज़रा गौर से सुनना है। वन स्टेप अहेड एक्नॉलेजमेंट का ये मतलब होता है कि नॉर्मली क्या होता है, मैं आपसे कहता हूँ मैंने आपको एक पैकेट भेजा है, उसका नंबर है 100, तो आप मुझे एक्नॉलेज क्या करेंगे, मैंने 100 रिसीव कर लिया है और दैट इज़ फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है, जो TCP काम करता है वो एक स्टेप आगे जाता है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो आप किसी को कहते हैं मैंने तुम्हें 100 नंबर वाला बॉक्स भेज दिया है, तो वो कहता है थैंक यू, सेंड मी 101। तो इट इज़ लाइक सेइंग के यस आई हैव रिसीव्ड 100 अप टू 100 और मैं वेट कर रहा हूँ 101 के लिए। इसको कहते हैं वन स्टेप अहेड एक्नॉलेजमेंट। तो TCP जो है वो एक्नॉलेजमेंट करने के लिए हमेशा, अगर ट्रांसमिशन बिल्कुल ठीक है, चाहे डेटा ट्रांसमिशन भी हो, तो अगली बाइट्स को एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, दे आर नंबर ऑफ लाइक वो बाइट नंबर होता है जिसको एक्नॉलेज कर रहा होता है। तो ये जो सेगमेंट है जिसको इसने एक्नॉलेज किया, इसमें कोई नंबर ऑफ बाइट्स जा रही होती हैं और ये बाइट नंबर के हिसाब से एक्नॉलेज करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा, जैसे ये 100 था तो ये 101 कह देगा कि अब मैं उसको उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। तो अब इसकी तरफ देखें तो इसने भी ऐसे ही किया, इसने इसको सीक्वेंस नंबर 300 भेजा, तो इसने कहा एवरी थिंग इज़ ओके, एक्नॉलेजिंग 301। इट इज़ नॉट लाइक के इसने कहा कि मुझे 301 मिल गया है, वो कह रहे आई एक्नॉलेज के 301 शुड बी कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ पिछले सारे ठीक हैं और मैं नेक्स्ट जो उसको क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 301 है।
तो दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड के जो आपकी अक्सर इंटरव्यूज में और एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती है, आपके ये फाइनल एग्ज़ाम में भी हो सकती है। अब इस स्टेज के बाद ये होता है कि ए सेंड्स एक्नॉलेजमेंट, ये हो गया, इसके बाद डेटा सेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, वंस टीसीपी ने अपना डेटा सेंड कर लिया, फाइल अपलोड होनी थी, हो गई, फेसबुक के पेजेस आने थे, रिस्पॉन्सेज आने थे, आगे सब कुछ है, नाउ सेशन आइडल हो गया या सेशन आप क्लोज करना चाहते हैं, आपने वो विंडो क्लोज कर दी, तो वो क्या करेगा, वो एक फिन सेंड करेगा। तो नॉर्मली हम अगर फाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो फाइल आपने रिसीव करनी थी वो रिसीव कर ली, नाउ जो कंटेंट रिक्वायर्ड था वो आपके पास आ गया, अब आप इस कनेक्शन को फिनिश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, तो ये कंप्यूटर अपनी तरफ से कंट्रोल मैसेज सेंड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड फिन। जब फिन इधर रिसीव होगा तो उसकी वो सेपरेट एक्नॉलेजमेंट करेगा, ठीक है, पिगी बैकिंग नहीं करेगा, वो सेंड एक्नॉलेजमेंट करेगा कि मैंने तुम्हारा फिन रिसीव कर लिया है, ठीक है, और अपनी तरफ से इसका सेशन क्लोज करेगा। अब और दूसरा साथ में ये करेगा कि सेंड फिन, अपनी तरफ से भी एक फिन सेंड कर देगा, सेपरेट फिन होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 300 सीक्वेंस नंबर के साथ मैसेज एक सेगमेंट गया था तो ये 301 के साथ जाएगा, ठीक है, तो ये एक सेपरेट कम्युनिकेशन होगी। जब ये इसका फिन रिसीव करेगा तो ये उसको भी एक्नॉलेज करेगा। अगर इस पूरी कम्युनिकेशन में कहीं पर भी कोई इशू होगा तो ये रीट्राई करेगा कि यहाँ पर कोई मसला है, मेरा कनेक्शन फिनिश नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फिनिश करने का तरीका है, सिर्फ इसमें बताने का मकसद ये था कि ये थ्री वे हैंडशेक है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का, और इसमें बेसिकली ये सेपरेट फिन्स हैं, एक फिन सेंड किया फिनिश, दूसरी तरफ से फिनिश। इसको अगर और शॉर्ट हम करें यार, बहुत आसान अल्फाज में, कि आप फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं अपने दोस्त को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका नंबर डायल करेंगे। तो नंबर क्या है, उसका वो आइडेंटिफिकेशन है जिसकी जिसके ऊपर आपने उसको कम्युनिकेट करना है, लाइक उसका मोबाइल नंबर है। जब उसके पास रिंग जा रही होती है तो वो सोचता है कि यार मैं ये कॉल लूँ या ना लूँ, इट इज़ लाइक कि वो आपकी कनेक्शन को ड्रॉप कर दे, कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करे, बिज़ी कर दे, या फिर कॉल उठाए और हेलो कहे, ठीक है। तो कॉल उठाने का मतलब यह है कि वो उसने कॉल पिक की और अपनी तरफ से सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो जो हम नॉर्मली हेलो सेंड करते हैं, तो हेलो नाउअडेज सर्व करता है कि आपकी आप सिंक्रोनाइज करते हैं, दैट लोग इसको ग्रीटिंग भी कहते हैं और लोग इसको टेक्निकली सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। जब मैं आपको हेलो करता हूँ तो या अस्सलामुअलैकुम कहता हूँ और आपकी तरफ से मुझे कोई आवाज़ नहीं आती, तो आई सपोज़ कि या तो आप बोलना नहीं चाह रहे, या फिर आप बिज़ी हैं, या फिर आपकी एंड पे कोई कम्युनिकेशन का इशू है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं जा रही, या सिग्नल का इशू है। तो अगर जब तक मुझे आपका हेलो का रिस्पांस, मेरे हेलो का आपको आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा, तो आई विल नॉट स्टार्ट टॉकिंग, कि मैं अपनी बात स्टार्ट नहीं करूंगा, कि मैंने आपसे कहना है कि जी लेट्स प्लान अ ट्रिप, तो मैं तब तक नहीं शुरू करूंगा जब तक मुझे आपकी तरफ से हेलो ना मिल जाए। तो इट इज़ लाइक अनऑफिशियली एक हेलो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप सिंक्रोनाइज करते हैं। तो यहाँ पे TCP, क्योंकि ये लाइक कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, तो उसमें ये TCP एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है ताकि दो डिवाइसेस आपस में स्मूथली कम्युनिकेट कर सकें। अब इसके बाद बहुत कुछ होता है, ठीक है, जैसे विंडोइंग होती है, फ्लो कंट्रोल है, ये अगर पीछे आप देखें तो मैंने अभी दिखाया था कहीं पर, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यहीं पर कहीं पर था, ये था इस्टेब्लिशिंग अ सेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करना है, सेम ऑर्डर डिलीवरी करनी है, अगर कोई ऑर्डर में डिलीवर नहीं हो रहे सेगमेंट्स तो उनको ऑर्डर करना है, जैसे सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 जो है वो एक ऑर्डर में एप्लीकेशन के पास जाएं। इसी तरह फ्लो कंट्रोल है, कितना डेटा आपने सेंड करना है, उसके बाद वेट करना है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट आए, तो फिर और डेटा सेंड करें, ठीक है। तो ये TCP के फीचर्स हैं, इनको अभी हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, छोटी सी लैब है। ओके, आप लोग TCP का जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ आपने यहाँ पे लैब है ये वाली 14.8.1, इस लैब को आपने एक दफ़ा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और इस लैब के अंदर भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशंस होती हैं और मल्टीप्लेक्सिंग का क्या कंसेप्ट है और पोर्ट नंबर्स का क्या रोल है। तो आप जब इस लैब को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्क्स में, जस्ट लाइक मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर्स और ये टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, जस्ट हम इस लैब को स्टार्ट करते हैं। इस लैब में बेसिकली हमने टीसीपी एंड यूडीपी कम्युनिकेशंस को एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम, अच्छा इसमें देख लें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ये हमारा सर्वर है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क पे सर्वर बना हुआ है और ये सर्वर जो है सेम टाइम पे वेब सर्वर भी है। आपको पता है एक सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा सर्विसेज ऑफर कर सकता है, ठीक है, वो मेल सर्वर, वेब सर्वर, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर कर सकता है। अभी इसमें वेयर इज व्यू हाइट, हाइट सर्विसेज नो हाइट, ओके, इसकी मैंने सर्विसेज टैब अनहाइड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये HTTP सर्वर के तौर पे भी काम कर सकता है, DHCP सर्वर भी बन सकता है, DHCP V6 भी बन सकता है, ये सिमुलेटर वाला सर्वर है, ठीक है, प्रैक्टिकल रियल सर्वर तो आप खुद बनाते हैं। TFTP सर्वर भी बन सकता है, DNS सर्वर भी बन सकता है। अभी ये इस टाइम पे HTTP वेब सर्वर भी है और प्रॉब्ली ये एक FTP सर्वर भी है, यस FTP सर्वर भी इसका ऑन है और इसमें कोई फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, और इसी तरह ये ईमेल सर्वर भी है, ये भी ऑन है, इसके ऊपर ये डोमेन नेम सेट है, और क्या है, प्रॉब्ली ये FTP HTTP DNS सर्वर भी है, ठीक है, और ये DNS डोमेन नेम भी रिजॉल्व करता है। तो अब हम इस सर्वर को टेस्ट करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, कौन सा पैकेट बनेगा, TCP का सेगमेंट बनेगा या UDP का बनेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यही है कि आप पहले एक दफ़ा पिंग कर लें ताकि जो ERP के पैकेट्स हैं शुरू में जो इनिशियल फेलियर आता है वो ख़त्म हो जाए हमारी तरफ। तो हम इस सर्वर पे जाते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और पिंग -N1, हम एक ही पैकेट सेंड करना चाहते हैं और किसको सेंड करना चाहते हैं, ये कौन सा नेटवर्क है, 192.168 है, 68.1. ये हमने एक ब्रॉडकास्ट टाइप पिंग मैसेज भेजा, ठीक है, तो जितनी एप्लीकेशंस नेटवर्क पे, जितने नेट कंप्यूटर्स मौजूद हैं उन सब ने हमें एक रिप्लाई भेज दी, तो इससे हमारा जो ERP टेबल है वो पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है। ये आपने वैसे नहीं करना होता, ये हम सिमुलेटर के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमारी आपस में इनिशियल ERP कम्युनिकेशन हो जाए। नाउ आपने सॉर्ट ऑफ नेटवर्क के ऊपर एक एक्टिविटी कर ली, अब आप HTTP क्लाइंट पे जाएंगे और इसको उसमें से वेब ब्राउज़र में ये वेब पेज ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमुलेशन मोड में जाते हैं और जिस तरह से इसने बताया हुआ है हम शो क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसने फ़िल्टर पहले से लगाया हुआ है, ये जो जिन पैकेट्स को हमने फ़िल्टर करना था वो इसने पहले से किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस HTTP क्लाइंट पे जा रहे हैं, इसके वेब ब्राउज़र में जाते हैं और ये कह रहा है कि आप ये वाला URL ओपन करो, 192.168.1, ये सर्वर का IP है बेसिकली और उसकी हम वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं। अब मैंने ये गो किया क्योंकि ये सिमुलेटर मोड में है, तो इसका पैकेट तो बन गया है बट अभी तक ये आगे गया नहीं है। ये पैकेट आप देख सकते हैं रेडी है और पैकेट हमारे पास तैयार हो गया। अब ये किस कौन सी प्रोटोकॉल का है, ये HTTP है और इससे हमें एक वेब पेज शो होना था। अब क्योंकि सिमुलेशन मोड में हम ये नेक्स्ट करेंगे तो ये पैकेट आगे जाएगा, अभी हमने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इस लैब की कोई रिक्वायरमेंट इसी तरह की है। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहे हैं आप एक FTP रिक्वेस्ट करें, FTP कनेक्शन रिक्वेस्ट करें, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और यहाँ पे FTP क्लाइंट के थ्रू एक 192.168.1.254 के साथ हम एक कनेक्शन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइंग टू कनेक्ट आ गया, एक FTP पैकेट भी हमारा जनरेट हो गया। थर्ड कह रहा है DNS वाले कंप्यूटर पे जाएं और ये कोई और यूज़र्स हैं, ये समझ लें मल्टीपल यूज़र्स इस टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो यूज़र है ये कर रहा है NS लुकअप कर रहा है, NS लुकअप की कमांड के थ्रू हम मैन्युअली किसी डोमेन नेम को रिजॉल्व करते हैं, उसका IP पता कराते हैं,
मल्टी सर्वर डॉट पी टी या डॉट पी टी यू, ठीक है, ये हमारे सर्वर का डोमेन नेम है। तो ये हमने रिक्वेस्ट जनरेट की तो एक DNS का पैकेट जनरेट हो गया। लास्ट में हम एक इस ये कंप्यूटर वाला ईमेल करना चाह रहे हैं, तो ये अपने डेस्कटॉप पे ईमेल क्लाइंट को यूज कर रहा है, प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं होगा ईमेल क्लाइंट, ये ईमेल क्लाइंट को खोला और इसमें एक न्यू ईमेल कंपोज की और ईमेल किसको भेज रहे हैं, यूजर एट द रेट मल्टी सर्वर डॉट पी टी डॉट पी टी। अब ये सर्वर वही है सारी, मतलब डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं हेलो और मैसेज कोई भी है, ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमारा मैसेज है ईमेल में हम इसको भेज रहे हैं और हम इसको सेंड कर देते हैं। अभी देखें ये मल्टीप्लेक्सिंग है कि नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकती हैं और कर रही हैं, बट जब आप यहाँ से आगे जा देखेंगे स्विच जब आगे ट्रांसमिट करेगा तो वो वन सेगमेंट या वन मैसेज एट अ टाइम सेंड करेगा सर्वर की तरफ। एक तो आपको इससे ये चीज़ दिखानी थी, दूसरा ये था कि हम इसके पैकेट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, चलें इसको शुरू में देख लेते हैं, ये जो HTTP पैकेट है इसके अंदर है क्या। अगर हम फर्स्ट को देखें तो ये देखें HTTP क्लाइंट्स मेक्स अ कनेक्शन टू द सर्वर। अब ये कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस सर्वर, वो एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर आप इसकी फर्दर प्रोटोकॉल डिटेल्स इसमें हेड लेयर डिटेल में जाएं तो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर TCP यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TCP यूज़ हुआ है और इसका जो सोर्स पोर्ट नंबर है 1025, ये किसने रेंडमली अपने अपने कंप्यूटर में इस कंप्यूटर से एक रेंडमली यूनिक सोर्स पोर्ट नंबर उठाया है और ये डायनामिकली उठाता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता, कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, दिस गोज़ अप टू 65,535 तक कोई नंबर भी हो सकता है, इससे पीछे का नहीं होगा 1024 क्योंकि वो वेल नोन पोर्ट्स हैं। अच्छा, ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट है कि किसकी तरह सर्वर की किस पोर्ट पे कनेक्ट करना है, ये है 80 पोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सर्वर है और इसकी जो सर्विसेज हैं उसका HTTP सर्विसेज ऑन है और किस पोर्ट पे चल रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेब सर्वर्स 80 पोर्ट पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें जब हम इस पैकेट को प्ले करेंगे, इस पैकेट को सेंड करेंगे तो रिस्पांस में हमें ये index.html फाइल आएगी जो इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है। तो ये तभी आएगी जब हमारी ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास। तो अभी हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा एक TCP का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसमें फ़्लो कंट्रोल के लिए ये विंडो साइज़ है, फ्लैग्स के अंदर हमारी कंट्रोल बिट्स जाती हैं, ठीक है, और ये हमारा और सीक्वेंस नंबर इनिशियली इसने ज़ीरो रखा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी ज़ीरो है। उस पिछली एग्जांपल में हमने देखा था वो रैंडमली एक स्टार्ट कर रहा था 100 से और दूसरा 300 से, इसने ज़ीरो से स्टार्ट की। जब इसका रिप्लाई आएगा तो आप देखेंगे कि उसकी तरफ से अपना सीक्वेंस नंबर लगा होगा और वो इसको एक्नॉलेज कर रहा होगा, इस वाले को, वो वंस प्रॉब्ली यहाँ पे आना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम ये तो होगी TCP की एग्जाम्पल, अगर हम DNS की बात करें तो ये UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो आप इस इधर क्लिक करें या इस पैकेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ गए, ये कह रहा है द DNS क्लाइंट सेंड्स आर DNS क्यूरी टू DNS सर्वर। अब इस DNS क्यूरी में वो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वो कह रहा है कि जी व्हाट इज़ द IP एड्रेस ऑफ दिस डोमेन, ये DNS क्यूरी है। अब जो ये पोर्शन है ना जिसमें अभी कुछ नहीं है, इस पोर्शन में आपको एक IP एड्रेस रिटर्न होगा। कैसे रिटर्न होगा, जस्ट लाइक आप लोग लिखते हैं NS lookup google.com कि google.com का IP क्या है, तो ये इस google.com जो मेरे कंप्यूटर पे DNS लगा हुआ था 8.8.8 इसको क्यूरी की और उससे पूछा कि IP बताओ, तो उसने दो IP बताई, एक उसने IPv6 बताया और एक IPv4 बताया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सर्वर के पास दोनों किस्म के IPs हैं कि नहीं। अभी हमारे लिए है कि इसने ये हमें IP रिटर्न किया, जब हम इसको ये क्यूरी सेंड करेंगे तो इस क्यूरी के रिस्पॉन्स में भी वो हमें एक IPv4 का एड्रेस रिप्लाई करेगा, ठीक है। अभी ये अपनी चीज़ें याद रखनी है जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये एक DNS मैसेज है और ये देखिए ये UDP यूज़ कर रहा है, ये TCP यूज़ नहीं कर रहा। जब आप इस पैकेट को ये काम आप भी कर सकते हैं यूजिंग वायर शॉर्क ओपन करें और अपने कंप्यूटर से एक DNS क्यूरी करें तो आपको बिल्कुल इसी तरह से वायर शॉक में भी, आप थोड़ा सा अगर वायर शॉक के साथ फेमिलियर हो जाएं तो आप ये सब कुछ नॉट इन पैकेट ट्रेसर आप रियल में भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है IP एड्रेस, तो सोर्स का IP 1.3 है और सर्वर का IP ये आ गया।
और यूडीपी में देखें तो यहाँ पे सोर्स का पोर्ट नंबर उसने रैंडमली उठा लिया, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 53 है, ये यूडीपी का 53 है, और इसके साथ कोई ज़्यादा कंट्रोल बिट्स और इस तरह के नहीं है, ठीक है। बेसिक चेकसम है बट डिटेल में नहीं है कि सिन पैकेट है, फिन पैकेट है, क्या चीज़ है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट है, क्या जा रही है। इट इज़ जस्ट द डेटा रिक्वेस्ट जा रही है, डीएनएस रिक्वेस्ट है और इसके रिस्पॉन्स में डीएनएस रिस्पॉन्स आना है, तो इसलिए हम यूडीपी को यूज़ कर रहे हैं। और ये फास्ट भी है, इसका ओवरहेड भी कम है, इसके जो पैकेट हेडर का साइज़ है वो भी कम है। अब ईमेल की भी सिंपल इसी तरह एग्जांपल है, ईमेल को अगर आप खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम टीसीपी को यूज कर रहा होगा, ये देखिए टीसीपी का सेगमेंट जा रहा है। तो जब मैं इसको प्ले करूँगा, अभी आप देखेंगे कि ये सारे जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस हैं डिफरेंट कंप्यूटर से पहुंची हैं स्विच के ऊपर, तो स्विच अभी डिसाइड कर रहा है कि किसको मैं पहले भेजूँ। अब स्विच के पास भी एक क्या लें क्यू होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, वो इन इस क्यू में सबको क्यू अप कर देगा और फिर वन बाय वन सेंड करेगा। मैं एक सेंड कर रहा हूँ तो इसने ये कौन सा सेंड किया है, प्रॉब्ली दिस इज एचटीटीपी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, जो यहाँ से आई थी वो पहले से क्यू में आई हुई थी, तो इसने वो सबसे पहले वो वाली भेजी, ठीक है। तो इसके साथ नेक्स्ट देखें तो दो कम्युनिकेशन हुई, एक यहाँ से दूसरा मैसेज गया और यहाँ से इधर से एक रिप्लाई आया। आप देखिए ये भी मल्टीप्लेक्स हमारी इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ से इधर भी ट्रांसमिट कर रहा है और उधर से इधर भी आ रहा है, ये सेपरेट पिन्स के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है और ये सेपरेट पिन पे यहाँ पे रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो आपकी केबल होती है इसके ऊपर। तो यहाँ से एचटीटीपी का रिस्पॉन्स भी आ गया और साथ में दूसरा जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट था वो भी पहुँच गया। अभी ये हमारे पास रिसीव हो रहा है वो एक्चुअल जो हमने टीसीपी की रिक्वेस्ट भेजी थी कनेक्शन की, अभी उसका एक रिस्पांस आया। मैं इसी को ओपन करता हूँ, प्रॉब्ली ये इट्स नॉट टीसीपी फिल्टर नहीं है, हाँ फिल्टर्ड है, ठीक है। और इसमें देखें वो मैंने आपसे कहा था एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो सेंड कर रहा है, तो वापस में वो कह ये नहीं कहेगा एक्नॉलेज कि मुझे ज़ीरो मिल गया, वो ये कह रहा है कि अब वन सेंड करो, कि मुझे वो तुम्हारा ज़ीरो वाला सेगमेंट मिल चुका है, तो ये इसको ये रिसीविंग हुई। अब इसके रिप्लाई में अब इसको पता चल गया ये जो फ्लैग है इससे पता चलता है ये एक्नॉलेजमेंट है, ये सिन है, या ये डिफरेंट कंट्रोल कह लें इसकी जो टाइप है वो यहाँ से हमें पता चलेगी। विंडो साइज़ उसने रिड्यूस कर दिया था, शुरू में हमने विंडो साइज़ ज़्यादा भेजा, इसने कहा नहीं मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट विंडो साइज़ है वो ये है। और अब सोर्स पोर्ट कौन है, अब सोर्स 80 पोर्ट है सर्वर की जो कि इसको ये वाला पैकेट रिप्लाई किया, और किस तरफ भेज रहा है डेस्टिनेशन की 1025 पोर्ट की तरफ भेज रहा है, जो हमने सोर्स पोर्ट सेलेक्ट की थी उसी के ऊपर रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है क्रोम ने ये पोर्ट बाइंड की हुई होगी और क्रोम के उस टैब में ये चीज़ ओपन होगी, ठीक है। अगर आप कोई और कम्युनिकेशन करेंगे यहाँ से डीएनएस की क्यूरी करेंगे तो वो अपने लिए एक सेपरेट सोर्स पोर्ट चूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन इस तरह से ट्रैक हो रही है और कम्युनिकेशन डिफरेंट आ रही हैं जा रही हैं। ये एफटीपी का रिस्पॉन्स भी आ गया, अभी डीएनएस का ये प्रॉब्ली ये रिस्पांस है, मैं इसको भी ज़रा खोल लेता हूँ। और जब ये डीएनएस का रिस्पांस आता है तो आपके पास वो कंप्लीट हो जाती है क्यूरी। इसकी अगर हम पैकेट को खोलें तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूडीपी रिस्पांस है, पोर्ट 53 सर्वर की इसने सोर्स पोर्ट है और डेस्टिनेशन इस कंप्यूटर का 1025 है। और इसमें क्या आना चाहिए था, ये ठीक है, दिस इज़ द डीएनएस आंसर जिसको हम डीएनएस रिस्पांस कह रहे हैं। ये कह रहा है कि आपने मल्टी सर्वर डॉट पी टी सॉरी ये आपने डोमेन नेम क्यूरी किया था और थ्रू डीएनएस प्रोसेस ये रिजॉल्व हुआ और इसने कहा कि इसका आईपी एड्रेस ये है। तो ये तरीका है आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस किस तरह काम करती हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रोल है, पोर्ट नंबर्स का क्या रोल है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको चीज़ बताई, बट आपको ये थोड़ा विजुलाइज करना था कि आप लोग ये समझें कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इस लैब का ऑब्जेक्टिव भी कुछ इसी तरह का था कि आप ये समझ सकें कि डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे डेटा ट्रांसमिट करती हैं और कैसे उनके पास रिस्पॉन्स आते हैं। सेम इज़ द केस विद द ईमेल, ईमेल की एक्नॉलेजमेंट आएगी कि वो होगी। अच्छा, ये जो कंट्रोल मैसेजेस हैं इसमें एक सिन मैसेज था जो हमने पहले डिस्कस किया था, फिन कनेक्शन फिनिश के लिए होता है,
कनेक्शन रीसेट, बाज़ औक़ात कनेक्शन में कोई इशू होता है तो टीसीपी कनेक्शन रीसेट भी भेज सकता है। इसी तरह कोई डेटा सेंड करना है तो पुश रिक्वेस्ट भी आ सकती है, एक्नॉलेजमेंट आ सकती है, और अर्जेंट बिट है, अर्जेंट में उसको आगे जल्दी ट्रीट किया जाएगा। तो ये बाकी सारी वही जो मैं अभी ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ, ये इसने वो डिटेल से लिखी हुई हैं कि आप चेक करें प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ है, टीसीपी यूज़ हुआ है या यूडीपी यूज़ हुआ है, और उसमें पोर्ट नंबर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, और कैसे कम्युनिकेशन हुई। तो ये आपने भी इस लैब को एक्सप्लोर करना है। प्रॉब्ली जो हमने चैप्टर्स टीसीपी यूडीपी के नहीं देखे थे और एप्लीकेशन लेयर को नहीं देखा था अभी तक, ये इसमें थोड़ा जनरली हमने एक्सप्लेन कर ली। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे काम करती। अच्छा, इसमें मैं इसको दोबारा, ये लाजमी नहीं है कि हम यहाँ से ही मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ, और अभी आप इसको क्लोज करेंगे तो ये कहीं क्लोज ना हो जाए, और आप सेम टाइम पे एनएस लुकअप, चलिए कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल कम्युनिकेशन, जिनको हम कह रहे हैं मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं, मल्टीप्लेक्सिंग आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है, तो यहाँ से मल्टीपल एप्लीकेशन डेटा सेंड कर रही हूँ, चाहे इस सर्वर की तरफ या इंटरनेट पे, तो वो सारे के सारे सेगमेंट्स इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे थ्रू टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। और रोल अगर आप डिटेल से देखें तो ये सारी लेयर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईथरनेट फ्रेम, इसमें सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, और इसी तरह आईपी में देखें तो आईपी में सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, अगर टीसीपी या यूडीपी में देखें तो सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर्स, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीज़ें इसी तरह से आती जाएंगी, ठीक है, और जो एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन का डेटा। तो इस लैब को भी आपने एक्सप्लोर करना है, और ये इससे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे एप्लीकेशंस काम करती हैं।